झालावाड़ से निवर्तमान जिला संयोजक निःशक्तजन प्रकोष्ठ पीसीसी द्वारा प्रदेश में लगे राजकीय संस्थाओं में अलग अलग पदों पर लगभग 15,000 प्लेसमेंट कर्मी कार्यरत हैं। इनके लिए अधिकार की मांग उठाई है। संजीव वर्मा ने बताया कि 5 से 10 वर्ष पूर्व से राजकीय संस्थानों में मुख्य स्तंभ की तरह काम कर रहे हैं, जिनको मात्र 6,000 रुपये वेतन मिलता है, वो भी कई बार समय पर नहीं मिलता, जिससे इनका पीएफ और ईएसआई की राशि काट कर वेतन मिलता है। ये वेतन इस महंगाई के दौर में एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे में वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकता है, कैसे उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। कई कर्मचारी तो कार्य करते उम्र अधिक हो जाने के कारण कहीं आवेदन भी नहीं कर पा रहे। अब जैसे तैसे मेडिकल कॉलेज को सोसाइटी से रासमेस में आमिलन कर लिया, जिसका लाभ सीधे सोसाइटी कर्मचारियों को ही मिलेगा। ऐसे में प्लेसमेंट कर्मियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनी। हमने पूर्व में पत्र भेजा था कि जिनको 5 वर्ष से ऊपर कार्य करते हुए हो गए, उनका नियमितीकरण और वेतन वृद्धि के बारे में स्थायी निर्णय लिया जाए, ताकि जब ये संस्था में कार्य करे तो इनका भविष्य भी उज्ज्वल हो। नमस्कार साथियों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार लगातार लाभकारी निर्णय लेती जा रही है। कार्मिकों के लिए बहुत शानदार उन्होंने निर्णय लिए हैं, जिसमें अभी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो रही है। मैं बात करने जा रहा हूँ आज प्रदेश के 15,000 जो प्लेसमेंट कर्मी लग रहे हैं। प्रदेश के अंदर हमने आकलन किया है कि 15,000 लगभग प्लेसमेंट कर्मी लग रहे हैं, जो 5 से 10 साल से ऊपर से जो सेवाएँ दे रहे हैं उनके लिए नियमित हम ज्ञापन दे रहे हैं कि या तो इनका नियमितीकरण किया जाए, या इनको संविदा का क्रेडिट दिया जाए, या इनका मानदेय बढ़ाया जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज ये सोसाइटी में था, 2008 से सोसाइटी बनी, 2008 से कई कार्मिक प्लेसमेंट करने काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिव्यांग महिलाएँ और कई लोग ऐसे जो कि अब ओवर एज हो चुके हैं, वो काम करते करते इनको आज 2022 में इतना समय हो गया है। अब संयोग ये बैठ रहा है कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को राजमेस में कन्वर्ट आमेल कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा लाभ सोसाइटी कर्मी को मिलेगा, लेकिन प्लेसमेंट के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। हम चाहते हैं कि केवल झालावाड़ ही नहीं, प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज या जितने भी सरकारी संस्थान हैं जहाँ पर प्लेसमेंट कर्मी कार्य कर रहे हैं, इन लोगों के लिए संविदा के एक रूल अप्लाई किया जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए, इनके वेतन के बारे में पुनर्विचार किया जाए। क्योंकि जो प्लेसमेंट कर्मी पिछले 5 से 10 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं, ये मुख्य स्तंभ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इनका पीएफ कार्ड दिया जाता है, इनका एसआई का पैसा कार्ड दिया जाता है, इनके हाथ में मात्र 5 से 7 हज़ार रुपये आता है। 5 से 7 हज़ार रुपये मात्र के अंदर व्यक्ति का खुद का जीवन जीना मुश्किल होता है, तो अपने परिवार को कैसे पालन पोषण कर सकता है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि प्रदेश के 15,000 जो प्लेसमेंट कर्मी कार्य कर रहे हैं उनके बारे में पुनर्विचार करें, एक वापस से फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करके बैठक करके इस पर पुनर्विचार करें, ताकि इनका जो परिवार का पालन पोषण ये मतलब उचित वेतन प्राप्त करके ये कर सके। धन्यवाद।